अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले 6 क्वेश्चन मुकम्मल किए थे एक्सरसाइज 13.3 के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम उस चैप्टर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है, ए सिलिंड्रिकल बकेट, एक बकेट है हमारे पास, इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप, हैविंग ए सर्टन हाइट एंड ए सर्टन डायमीटर, 32 सेंटीमीटर्स हाई। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 32 सेंटीमीटर्स विद रेडियस ऑफ बेस, दैट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द टॉप, वही टॉप का भी रेडियस होता है, कितना है 18 सेंटीमीटर्स दिया गया है। इज फिल्ड विथ सैंड, ये टोटल इसमें रेत है, ठीक है ना, इस बकेट में रेत है। दिस बकेट इज एम्पिटीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। जब हम इस बकेट को यहाँ पे एम्पिटी कर रहे हैं, इसमें से जितनी भी सैंड हमें निकलेगी उस सैंड को हम ग्राउंड पे रख रहे हैं यहाँ पे, तो एक कोनिकल हीप हमें मिल रही है वहां पे। तो इस कोनिकल हीप का की डायमेंशन हमें दी गई है, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो हमें चाहिए रेडियस एंड आल्सो स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल हीप। तो यहां पे आप देखिए, जब हमें सबसे पहले रेडियस पता चलेगा तो हम आराम से एल निकाल सकते हैं, क्यों, बिकॉज वी नो कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने जब हम ये सरफेस एरियाज अभी पढ़ रहे थे तो उस चैप्टर में हमने, उस एक्सरसाइज में हमने सीख लिया था, उस एक्सरसाइज में हमने सीख लिया था कि हाउ टू कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ ए गिवन कून, जिसकी हमें हाइट और रेडियस पता हो। यहां पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ बकेट दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड दैट इज ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, ठीक है ना। वही सैंड हमने बाल्टी में रखी थी, उसी बाल्टी को हमने उल्टा किया, वहां पे एक कोनिकल शेप्ड हीप बन गई, किसकी, सैंड की, और उस सैंड की डायमेंशन में से हमें एक डायमेंशन दैट इज हाइट ऑफ द कोनिकल हीप वो दिया गया है, और रेडियस हमें निकालना है, तो रेडियस हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लेंगे डायमेंशन ऑफ द सिलिंड्रिकल बकेट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट, लेट दैट बी एच वन, क्योंकि वहां पे भी हाइट है लिहाजा हम एच वन लेंगे, दैट इज हाउ मच, 32 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना, इट इज रेडियस, और रेडियस कितना है, लेट दैट बी आर वन, दैट इज गिवन 18 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमें दिया गया है रेडियस ऑफ, नहीं दिया गया है रेडियस, नहीं दिया गया है हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, हाइट ऑफ कोनिकल हीप लेट दैट बी एच टू एंड दैट इज 24 सेंटीमीटर। इसी तरह से रेडियस जो हमें चाहिए, रेडियस ऑफ कोनिकल हीप दैट इज आर टू, क्योंकि हमने यहां पे आर वन लिया, ये हमें निकालना है, लिहाजा हम इसके सामने रखेंगे नोट ऑफ इंटरोगेशन विच वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखिए, हमें दो शेप्स यहां पे अलग अलग शेप्स दी गई है, तो एक शेप का वॉल्यूम दूसरी शेप के वॉल्यूम के बराबर है, और एक शेप का वॉल्यूम जो सिलिंड्रिकल है दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, आर हमने यहां पे वन लिया, आर वन स्क्वायर एच वन, इट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच टू। ये कोनिक कून का वॉल्यूम है और ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बकेट जिसमें सैंड थी। पाई इज ऑलवेज 22/7। इसके बाद यहां हम पाई और पाई को कैंसिल भी कर सकते हैं, यहां पे आप देखिए पाई और पाई को हम कैंसिल भी कर सकते हैं इसी स्टेप में, पहले इस स्टेप में। इसका मतलब है कि आर वन स्क्वायर एच वन
R1 कितना है, दैट इज 18 इंटू 18 इंटू H1 दैट इज 32। इट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू R2 स्क्वायर। R2 रेडियस तो हमें पता ही नहीं है अभी, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे R2 स्क्वायर इंटू H2। H2 कितना दिया गया है, दैट इज 24। ठीक है ना, यहाँ पे हम 3 और 24 को रिड्यूस करेंगे, 3 8 24। अब देखिए राइट साइड में सिर्फ R2 स्क्वायर रह गया, इसको मैं पहले लेफ्ट साइड में लाता हूं। R2 स्क्वायर ब्रैकेट में भी रखेंगे हम ताकि आसानी हो जाए। R2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, इट विल बी, पहले हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या क्या था न्यूमरेटर में, 18 इंटू 18 इंटू 32, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय जो हमें राइट साइड में आया किस में, न्यूमरेटर में। देखिए आपने, मैंने सिर्फ 8 को यहां पे डिनोमिनेटर में लाया, डिवाइडेड बाय 8, तो 8 भी यहां पे रिड्यूस हो जाएगा, 8 1 आर 8 4 आर 32। अब देखिए R2 स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिला, 18 इंटू 18 इंटू 4, अगर हम करेंगे 18 4 आर 72 इंटू 18, ठीक है ना, 8 2s are 16, 8 7s are 56, 56 + 1 दैट इज 57, 576। यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, 1 इंटू 2 1 इंटू 7, तो ये 6 7 + 2 दैट इज 9, 5 + 7 दैट इज 12, 1296। बट इट इज R2 स्क्वायर, हमें चाहिए सिर्फ R2 विच इज द रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप, जो हमें चाहिए, मीन्स R2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1296। ठीक है ना, तो आप यहां पे कर भी सकते हैं 1296, इसमें हमें अंडर रूट निकालना है, तो 3 3s are 9, तो यहां पे 3 और 96 भी यहां से आ जाएगा, इसके साथ साथ 3 + 3 दैट इज 6, तो हम 6 से करेंगे, 6 6s are 36, 6 6s are 36 + 3 दैट इज 39, तो हमें मिला R2 एज 36, R2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, मीन अंडर रूट ऑफ 1296। अब हमें लास्ट में क्या चाहिए, L दैट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, वो भी हमें चाहिए। ये कून अब इस शेप का नहीं रहेगा, कून बिल्कुल इस शेप का, क्योंकि इसका डायमीटर जो है दैट इज 72 एंड इट इज हाइट इज ऑनली 24। कून इस शेप का, ये जो हीप ऑफ द सैंड हमें मिला दैट इज 36 रेडियस है और 24 हाइट है, स्लेंट हाइट ऑफ ऑफ कॉनिकल हीप दैट इज एल दैट विल बी अंडर रूट ऑफ R² + H²। ठीक है ना, तो एल का वैल्यू क्या आएगा हमें, अंडर रूट ऑफ R² दैट इज 36 स्क्वायर। ठीक है ना, 36 × 36 अभी हमें मिला था, 36 स्क्वायर + H² दैट इज 24 स्क्वायर। तो L का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर दैट इज 1296 + 24 स्क्वायर दैट इज 576। तो इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे, ठीक है ना, 6 + 6 दैट इज 12, 1 कैरी, 9 + 7 दैट इज 16 + 1 दैट इज 17, 5 + 2 दैट इज 7, 7 + 1 दैट इज 8 एंड 1, 1872। अब L जो है ना, अगर हम यहां पे 1872 के फैक्टर्स भी निकालें, ये स्क्वायर रूट नहीं है चूंकि, तो अगर हम करें 12, तो हमें यहां पे पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे किसके, 1872 के।
डायरेक्टली अगर मैं थोड़ा सा मुझे कंसेप्ट है कि 12 स्क्वायर में इसमें आता है, 12 वन्स आर 12, 6 सेवन, 12 फाइव आर 60, 12 सिक्स आर इसमें भी 12 × 13, तो ये 12 स्क्वायर × 13 हमें, तो थोड़ा सा मुझे जहन में था कि इसमें 12 का कुछ रोल आता है, दैट इज 12 स्क्वायर × 13। तो हमें एल का वैल्यू क्या मिलेगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा, 12√13 सेंटीमीटर हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी अगर आप लिखेंगे √13, 1872, तो इसमें भी आपको बराबर मार्क्स मिली। ठीक है।